सो हे गाइस, न्यूज बॉय। तो गाइस, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो, पर आप तो बैठे ही रह गए। प्रूफ चाहिए? ये देखो, पिछले साल के T20 लीग में 50 मैचेस में 50 लोग करोड़पति बने। इस बार भी बन रहे, विनर का नाम बताऊंगा आगे वीडियो में। तो सैलस लोधा के बारे में आपको बताया, इससे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा के तारक मेहता थे, तो इन्होंने जो अभी लॉ सूट फाइल कर दिया असित मोदी के अगेंस्ट में, मतलब की कंप्लेंट फाइल कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी तक उनका जो कुछ पेमेंट नहीं किया गया। यस, उनका शो छोड़ा हुआ कितना हो चुका आपको बताऊंगा, 1 साल से भी ज्यादा, लेकिन अभी तक उनके जो कुछ पेमेंट नहीं दिया गया। इससे रिलेटेड जब सैलस लोधा से पूछा गया तो वो बोले कि अभी ये केस कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मैं अभी कुछ भी कहना नहीं चाहूंगा। एंड जब असित मोदी, जो कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर है, उनसे पूछा गया तो वो भी बोले कि मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, मैं जो अभी ट्रैवल कर रहा हूं ऐसा करके। लेकिन यहाँ पे सोहेल रमानी, जो कि प्रोजेक्ट हेड है तारक मेहता का उल्टा चश्मा के, उन्होंने कहा कि हम जो पेमेंट देने में कभी मना किया ही नहीं है। वो उन्हें ईमेल के थ्रू, कॉल के थ्रू उनको रिक्वेस्ट किए कि आप जो ऑफिस आओ एंड कुछ पेपर वर्क वगैरह उसको कंप्लीट करो, साइन वगैरह करो, एंड फिर अपना पेमेंट ले जाओ, हमने कभी पेमेंट देने में मना किया ही नहीं है। हर कंपनी में रूल होता है कि जब कोई छोड़ता है कंपनी, देन फिर कुछ पेपर वर्क वगैरह होता है उसको कंप्लीट करना होता है। बाकी ऐसे आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके, फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो आपको बताओ, फ्लाइंग बीस्ट आजकल रेगुलर व्लॉग्स अपलोड नहीं कर रहे, इसका रीजन वो दिया अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू। वो जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू MS धोनी। यस, आप देखिए उनके स्टोरीज। हाय गाइस, बहुत दिनों से व्लॉग्स रेगुलर नहीं आ रहे, बहुत लोग हमसे नाराज है। सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए हमसे नाराज मत हो, आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें, यहाँ तक पहुंचाया, थोड़ा सपोर्ट और करिए, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जो कि 1-2 दिनों में हम रिवील कर देंगे और छोटी सी झलक आपको अभी दिखा देंगे। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुकी, योयो हनी सिंह के बारे में। तो जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि बहुत सारे आर्टिकल्स आए, ये बता दूं कि योयो हनी सिंह के ऊपर जो एक बंदे ने केस कर दिया एंड उससे काफी बड़े एलिगेशन लगाए थे, जैसे किडनैपिंग का, उनको मारा गया, ऐसे ऐसे ना बहुत सारे एलिगेशन। अगर पूरा डिटेल से जाना तो आप जाके मेरा कल वाला वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे सारे एलिगेशन को फॉल्स एंड बेसलेस बताते हुए योयो हनी सिंह एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए। वो बताया कि जितने भी एलिगेशन मेरे अगेंस्ट लगाए गए हैं, उसे मेरा इमेज को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो बताया कि उनके जो लीगल टीम है वो इस मैटर में काम कर रहे हैं, डिफेमेशन केस फाइल करेंगे जो लोग भी वो फेक न्यूज फैला रहे हैं। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके, सम्राट भाई के बारे में। सम्राट भाई के अगेंस्ट में एक बंदा काफी सारे ट्वीट्स वगैरह करता था, कैसे टाइप के ट्वीट्स आप देख सकते हो ना स्क्रीन पर, मतलब बहुत ज्यादा एब्यूसिव ट्वीट्स वगैरह। फिर उन्होंने पता नहीं कुछ कॉल किया होगा या फिर कुछ अलग एक्शन वो लिए, एंड फिर वो बंदा जो सॉरी बोल रहा है। यस, आप देखिए ना, समथिंग कि मैंने सम्राट भाई को पहले अब्यूज किया था कुछ पर्सनल टॉपिक के ऊपर। आई एम सॉरी टू सम्राट भाई, आई फील एज अ ह्यूमन बीइंग आई फील बैड दैट कि मैंने मतलब उनकी फैमिली तक को बोल दिया, वो नहीं करना चाहिए था। तो आई एम सॉरी सम्राट भाई, मैंने आपको कॉल पे भी बोला था कि मतलब ये चीज नहीं होगी, मैंने ट्विटर पे आपको अपोलोजाइज किया है। फिर इसके बाद सम्राट भाई लिखे, एन एसआर के फैन फ्रॉम समुदाय विशेष यूज्ड टू फ्रीक्वेंटली अब्यूज मी इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माय ट्वीट्स। सून ही स्टार्टेड माय ड्रैगिंग माय फैमिली, लुक हाउ ही इज बेगिंग अपोलोजी आफ्टर स्वीट ट्रीटमेंट। आई वोंट लीक हिज डिटेल्स बिकॉज़ आई एम नॉट जुबैर, बस इतना बता रहा हूँ, फैमिली पर आओगे तो पेले जाओगे। फिर इसको जो अलेक्सिस चौधरी भी रीट्वीट किए थे, आप देख सकते हो स्क्रीन पर। और सिमिलर ऐसा ही मैक्सटन के अगेंस्ट में भी एक बंदा काफी सारे ट्वीट्स करता था, बहुत सारे रेसिस्ट एंड रीजन जोक्स वो मारता था। जैसे एक ट्वीट आप देख सकते हो, ए चुपकर बिहारी शकल के क्रिंज लेम, ऐसे मतलब बहुत सारे ट्वीट्स में मैक्सन को जब बिहारी बोला वो बंदा, तो मैक्सन जो यूपी पुलिस को टैग करते हुए लिखे, डियर यूपी पुलिस, ही हैज बीन मेकिंग रेसिस्ट एंड रीजन जोक्स फॉर सेवरल डेज, अकॉर्डिंग टू 295A ही शुड बी बिहाइंड द बार्स, प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन, हिज व्हीकल नंबर शोज ही इज फ्रॉम यूपी, आई विल अटैच हिज इंस्टाग्राम बिलो। फिर इसके बाद जो वो बंदा अपोलोजाइज करते हुए एक ट्वीट किया, फिर मैक्सन लिखे केस क्लोज्ड। चलिए अब बात करते हैं कैसे आप जीत सकते हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। 21 अप्रैल को इंडियन T20 लीग का मैच है चेन्नई वर्सेस हैदराबाद के बीच में। मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर से डाउनलोड करो माय 11 सर्कल ऐप एंड अपना टीम बनाओ अभी। टूर्नामेंट के हर मैच डे में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और जीतो पूरे 1 करोड़ रुपए। ये देखो, मिस्टर लेखराज सिंह फ्रॉम राजस्थान जीत भी गए हैं इन बैंगलोर वर्सेस लखनऊ मैच इन 10th of April। आप ये मौका मिस मत करना। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर से डाउनलोड करो माय 11 सर्कल ऐप, मेरा कूपन कोड newsboy23 यूज करो, इससे क्या होगा 20% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे एंड 1500 का बोनस कैश। सो डाउनलोड करो माय 11 सर्कल ऐप एंड चेन्नई वर्सेस हैदराबाद मैच के लिए टीम बनाओ अभी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, ट्विटर ब्लू टिक के बारे में। तो ट्विटर वेरीफाइड ने एक ट्वीट किया था जहाँ पे वो बताया था कि 20 अप्रैल को जितने भी लीगेसी वेरीफाइड चेक मार्क्स है उसको जो हटाया जाएगा, मतलब जितने भी सेलिब्रिटीज को पहले ब्लू टिक मिला हुआ था ना इलॉन मस्क की ट्विटर खरीदने से पहले, वो सबको जो हटाए जाएंगे, अगर उनको ब्लू टिक चाहिए फिर उनको जो पे करना होगा। फिर इसके बाद क्या था, बहुत सारे सेलिब्रिटीज का ब्लू टिक चला गया, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, यहाँ तक क्रिकेटर जैसे विराट कोहली, युवराज सिंह, शिखर धवन, सचिन तेंदुलकर और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स। ऑफकोर्स अगर वो पे करेंगे फिर उनका
का ब्लू टिक फिर से वापस आ जाए। केएसआई का ब्लू टिक भी चला गया तो वो लिखे डैम वेयर डिड माय टिक गो। मैक्सन लिखे जस्ट लॉस्ट माय ब्लू टिक। ऑल्सो ने इलॉन मस्क कुछ लोगों के लिए बिना पे किए ब्लू टिक देने वाले, जैसे उन्होंने लेब्रॉन जेम्स को दिया जो कि एक फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है ना, एक यहाँ पे आर्टिकल लिखा गया था उसी से रिलेटेड। तो इलॉन मस्क रिप्लाई किया आई एम पेइंग फॉर अ फ्यू पर्सनली, मतलब कि कुछ लोगों के लिए वो खुद पर्सनली पे करने वाले। पे तो क्या करेंगे, उनका खुद का ही प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पे स्टेफन किंग जो कि एक ऑथर है, माय ट्विटर अकाउंट सेज आई हैव सब्सक्राइब्ड टू ब्लू टिक, आई हैवंट। माय ट्विटर अकाउंट सेज आई हैव गिवन अ फोन नंबर, आई हैवंट। मतलब कि उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया, उनका फोन नंबर भी उन्होंने नहीं दिया, एंड फिर भी ट्विटर पर दिखा रहा है कि उन्होंने जो है ट्विटर ब्लू टिक को सब्सक्राइब किया हुआ है एंड उन्होंने अपना फोन नंबर भी वेरीफाई कर लिया। तो उसके साथ इलॉन मस्क रिप्लाई किया यू आर वेलकम नमस्ते, मतलब कि स्टेफन किंग को भी उन्होंने बिना पे किए ब्लू टिक दे दिया। शायद से इंडिया में विराट कोहली वगैरह को दे सकते हैं, एमएस धोनी। नेक्स्ट ईयर इंडिया में वो किसको फ्री में ब्लू टिक देते हैं, ठीक है, अगर पता चलता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, कुछ यूट्यूबर्स के बारे में जिनको आपने पॉडकास्ट वगैरह में कहते हुए सुना होगा कि वो जो खुद करते हैं ना सब कुछ, जबकि उनका प्रॉपर टीम होता है स्क्रिप्ट राइटर से लेके एडिटर से लेके सब कुछ, मतलब एक प्रॉपर टीम होता है, बट फिर भी वो जो क्रेडिट्स वगैरह नहीं देते, उनका नाम भी मेंशन नहीं करते हो। तो इससे रिलेटेड क्रेजी दीप जो है कुछ स्टोरीज पोस्ट किए थे, आप देखिए। भाई वो बहुत कम इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैंने जो पॉडकास्ट देखा उसमें से कि जिन्होंने बता दिया कि यार हाँ भाई मेरे पीछे एक राइटर है, मेरा एडिटर मेहनत करता है, मेरी पूरी टीम है, वरना 90% इन्फ्लुएंसर जाके ऐसे क्लेम कर रहे हैं कि जो इन्होंने करा है जो इनकी वीडियोस हैं ये 100%। भाई ओमेगल वाले जो हैं तुमसे ज्यादा मेहनत करता है तुम्हारा एडिटर, तुम्हारी 50 मिनट की रिकॉर्डिंग रहती है जो पे उसको कम से कम 6-7 घंटे बेचारा ट्रेन करता है फिर एडिट करता है, और तुम्हें शर्म नहीं आती कि भाई उसको क्रेडिट तो दे दो ढंग से। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्य राय बच्चन की बेटी के बारे में जिनका नाम है आराध्या बच्चन। तो अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्य राय जो दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था ये बताते हुए कि उनके बेटे के अगेंस्ट में जब बहुत सारे फेक न्यूज वगैरह फैलाए जाते हैं यूट्यूब चैनल्स पर बेसिकली उनके हेल्थ से रिलेटेड, तो अभी कोर्ट ने वो सारे यूट्यूब चैनल्स को वीडियोस हटाने के लिए बोला एंड कोई भी आराध्या बच्चन या फिर छोटे बच्चे से रिलेटेड फेक न्यूज वगैरह नहीं डालने को बोला। यहाँ तक कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो यूट्यूब को भी पटकार लगाया, उन्होंने बताया कि ये जो फेक न्यूज वगैरह चलते हैं यूट्यूब पर इसके अगेंस्ट में तुम जो है पॉलिसी क्यों नहीं लाते, तुम जो एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है तुम्हारा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होना चाहिए। यूट्यूब जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया जहाँ से कुछ लोग जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं लोगों में, कोर्ट कहते हैं हाउ कैन सच थिंग बी टॉलरेटेड, तुम बोलते हो कि ये सब मैटर में जो हमारा जीरो टॉलरेंस है, मतलब कि हम तुरंत से एक्शन ले लेते हैं। तो जो आराध्या बच्चन के साथ हुआ वो जीरो टॉलरेंस कैटेगरी में क्यों नहीं आया, इसका मतलब तुम्हारा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में ही डिफेक्ट है, ऐसे करके मतलब बहुत कुछ सुना है ना, आप पढ़ सकते हो पूरा। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके आशीष संसलानी के बारे में। तो नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक ट्वीट किए थे ए फिल्म यू लव दैट मोस्ट पीपल डोंट, मतलब कि एक फिल्म ऐसा बताओ जो तुम्हें पसंद है लेकिन लोगों को पसंद नहीं है। तो उसका जो आशीष संसलानी रिप्लाई किया मैं अकेला हूँ इस मूवी का फैन, तो उसके नीचे किसी ने रिप्लाई किया था कौन सी मूवी है ये, तो एक बंदा ने रिप्लाई किया बेफिक्र। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके अनुभव सिंह बस्सी के बारे में। आपको बता दें जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो इनका नाम एक पॉडकास्ट आउट हुआ रणवीर अलाहाबादिया के चैनल पर जहाँ पे ऑफकोर्स काफी सारी चीजों के बारे में बात किए, वहीं पे वो बात की एक सीरियस टॉपिक के ऊपर। आपको बता दें आजकल कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी हो गया या फिर बड़ा इन्फ्लुएंसर हो गया वो कुछ अगर बोल देते किसी मैटर में, फिर वो क्या करते छोटा सा पार्ट को अपलोड कर देते रील्स वगैरह में जो कि मिसलीडिंग होता है, उन्होंने पूरा अपलोड नहीं किया होता है जिसकी वजह से उन लोगों को हेट मिलता है ना। तो उस चीज से रिलेटेड वो बात किए ना, आप देखिए क्या होगा कि मैंने ये बात बोल दी ना, अब इसके कोई बंदा इसके लिए बनाएगा वो सिर्फ इतना सा पार्ट उठाएगा जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि फका फका कुछ नहीं होता आगे बढ़ो, वो इतना सा पार्ट उठाएगा और उसको डाल देगा, ठीक है। अब उसके नीचे जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं जिनकी जिंदगी में फकअप चल रहा है वो लिखेंगे कि हाँ देखो ये सक्सेसफुल हो गया तभी बात कर रहा है बंदा, ठीक है। तो मैं उसके कंटिन्यूएशन में ये बोल देना चाहता हूँ कि जो बंदा उसको बैठ के रील बनाए वो आगे की भी बनाए, नहीं बोल देना चाहता हूँ कि मैं इतना क्लियरली ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हारे हो गया तो इग्नोर करो आगे बढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे बढ़ो। यहाँ जो लोग इस पॉडकास्ट को रिव्यू कर रहे हैं सेम लॉजिक, इसमें एक पार्ट को हाईलाइट मत करो। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके एप्पल के बारे में। तो एप्पल ने आपको बताया मुंबई एंड दिल्ली में जो अपना एप्पल स्टोर ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। तो पता है मुंबई का जो एप्पल स्टोर है वहाँ का रेंट एप्पल को कितना देना होगा मंथली, वो है 42 लाख रुपीज, एंड दिल्ली का जो एप्पल स्टोर है वहाँ पे रेंट देना होगा उनको 40 लाख पर मंथ। तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके उर्फी जावेद के बारे में। उर्फी जावेद को उनके कपड़ों को लेकर काफी ज्यादा हेट मिलता है आपको पता होगा, तो रिसेंटली वो इसके ऊपर रिएक्ट करी। ऑल्सो उन्होंने वैसे टाइप पे ड्रेस वगैरह पहनना क्यों स्टार्ट किया वो भी वो बताए, वो क्या कहे आप खुद देखिए। कोई रोज आपको बोलेगा तो आपकी मेंटालिटी क्या ही रह जाएगी, यू नो देन यू स्टार्ट फीलिंग लाइक व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी, लाइक व्हाट इज एम आई रियली रॉन्ग, लाइक व्हाट रॉन्ग एम आई डूइंग, व्हाट डिड आई डू। सो देन यू आर एंग्री, यू आर सो एंग्री बट यू कांट रिप्लाई टू एवरीवन। ना मुस्लिम्स मुझे पसंद करते हैं बिकॉज़ आई एम अ मुस्लिम एंड आई ओपनली से दैट आई डोंट फॉलो इस्लाम। हिंदूज भी मुझे पसंद नहीं करते हैं, वो भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं संस्कृति खराब कर रही हूँ। हिंदू मुस्लिम उर्फी जावेद के नाम पे यूनाइट होते हैं, इट्स अ नोबल जॉब दैट आई एम डूइंग। आई केम हियर फॉर अ जॉब इंटरव्यू, आई डिडंट गेट द जॉब, सो समवन टोल्ड मी लाइक माय फ्रेंड व्हाई डोंट यू स्टार्ट ऑडिशनिंग, यू लुक गुड। आई स्टार्टेड ऑडिशनिंग एंड आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक वेरी वेरी माइनर कैरेक्टर्स, not important characters, but I was never satisfied. I was like, I want to do something bigger, I want to do something bigger. And then Big Boss happened. So I was only there for 1 week. My fashion, like people started like trolling me a lot and I started banking on the trolls. Clothes are way to express yourself.
So I just want to tell the world that I am a bold person. That's it. And I don't give two shits about anyone. So someone had to do it. So I am starting it. So yay. You know, I'm taking all the slut shaming. So that the younger generation, you know, they don't have to go through what I'm going through. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कर चुके थारा भाई जोगिंदर के बारे में. थारा भाई जोगिंदर वर्सेस एल्विस यादव में कॉन्ट्रोवर्सी आपको पता होगा. सिस्टम वर्ड को लेकर जो कॉन्ट्रोवर्सी हुआ था, थारा भाई जोगिंदर का कहना है कि सिस्टम वर्ड उनका है, एल्विस यादव का कहना है कि सिस्टम वर्ड उनका है. तो अभी थारा भाई जोगिंदर एक लिखे सिस्टम सॉन्ग कमिंग सून, एंड वो लिखे सिस्टम वर्ड थारा भाई जोगिंदर का था और रहेगा. अब सिस्टम दिखा देंगे, रेडी हो सारे फिर. तो वो जो सिस्टम सॉन्ग ला रहे शायद डिस्ट्रैक्ट वगैरह हो सकता पता नहीं, लेट्स सी, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा. तो चलिए अगली अपडेट के बारे में बात कीजिए, लक्ष्य चौधरी वर्सेस बीटेक चाय वाली के बारे में. आपको पता होगा बहुत टाइम पहले लक्ष्य चौधरी जो बीटेक चाय वाली के ऊपर जो एक रोस्ट निकाले थे, फिर इसके बाद बीटेक चाय वाली जो रिप्लाई की थी, जो कि मैं आपको ऑलरेडी दो बार दिखा चुका हूँ, बट फिर भी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ ना, आप देखिए समझ जाओगे. मैम अभी ना आपको रोस्ट किया किसी ने यूट्यूब पे, एक बहुत ही फेमस रोस्टर है, नाम शायद कुछ लक्ष्य चौधरी करके. हाँ तो आपने देखा वो वीडियो? नहीं अभी तक तो देखा नहीं, और ऐसे वीडियो देखने के टाइम भी नहीं है, तो मैं चाहूंगी भी नहीं कि अपना टाइम खराब करूं ऐसे लोगों पे. अच्छा तो देख तो लेते कि अच्छी बनाई है क्या बनाया. कोई बात नहीं, पता चलता है उन्होंने जो भी बनाया होगा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी बनाई हो बुरी बनाई, उन्होंने मेरे बारे में क्या बोला है, मुझे गालियां दी है, क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम नहीं है ऐसे लोगों पे जाकर टाइम. तो वही वीडियो जो बीटेक चाय वाली अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड की थी ना, तो उसका जो लक्ष्य चौधरी रिसेंटली रिप्लाई किया, पर वीडियो को रील बना के अपलोड करके व्यूज लेने का तो फुल टाइम है. वो जो बताई थी ना कि मेरे पास टाइम नहीं है रोस्ट वीडियोस वगैरह देखने में, वही यहाँ पे उसका रिप्लाई था. फिर उसका बीटेक चाय वाली कही, लक्ष्य जी ऐसे छोटे मोटे काम में चाय बनाते हुए कर लेती हूँ. फिर लक्ष्य चौधरी कहे, वो सब ठीक है, अब फटाफट दो कप चाय लगाओ, स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, दिमाग तेज चलेगा थोड़ा. तो उसका जो बीटेक चाय वाली कही, एटलीस्ट मेरी चाय पीकर ही आपको थोड़ी दिमाग आ जाए, एक काम करो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले लंच के बाद और डिनर से पहले चाय पिया करो, ताकि दिमाग ठिकाने पे रहे. गॉड ब्लेस यू. ये अभी फिर से स्टार्ट हुआ क्योंकि आपको बताओ रिसेंटली फिर से जो लक्ष्य चौधरी बीटेक चाय वाली को रोस्ट किए थे. तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे. तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शुरू कर देना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. एंड हां भाई, माय इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, क्योंकि आप जीत सकते हो 1 करोड़ रुपए इन फर्स्ट प्राइज, 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट, एंड 1500 का ज्वाइनिंग बोनस. लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, ऑल्सो कमेंट में पिन कर दिया.